हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक बड़ा ही यूनिक सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ, बेसन और कैफेत की सब्जी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही लजीज तैयार होता है। तो चलिए हम फटाफट इसे बनाना शुरू करते हैं। बेसन वाली कैबेज बनाने के लिए हमने 500 ग्राम कैबेज को ऐसे पतले पतले काट रखे हैं। आप देख सकते हैं कितना बारीक हमने कैबेज काटा है। अब हम सबसे पहले इसमें बेसन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आधा किलो कैबेज है, तो हम 4 चम्मच बेसन ऐड करेंगे। बेसन यानी चने का आटा। अब हम इसमें डालेंगे हल्का सा हल्दी कलर के लिए। 1 चम्मच हम धनिया पाउडर डाल देंगे और 1 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। यहीं पे हमें स्वाद के अनुसार नमक भी ऐड कर लेना है। नमक डालने से क्या होगा, अपना बेसन में वो भी पानी छोड़ेगा और लिपट जाएगा। तो चलिए हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हर एक कैबेज पे बेसन मिर्च मसाला का कोटिंग हो रहा है। हमने सभी बेसन और मसाला को कैबेज में मिक्स कर दिया है। तो हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तो अच्छे से बेसन अपना लिपट जाएगा। फिर हम इसे फ्राई करके आपको दिखाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से अपना बेसन मसाला कैबेज में लिपट चुका है। अब चलिए हम इसे सब्जी बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम गैस की तरफ चलेंगे। गैस पे हमने कढ़ाई ले रखा है। इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तो आप जो भी कुकिंग ऑयल खाते हैं तो उसमें सब्जी बनाइए। तेल को हमें अच्छे से गर्म होने देना है। हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, चुटकी भर कलौंजी, 1 चम्मच सौंफ। फोरन को हम अच्छे से चटकने देंगे, तो हम फ्लेम स्लो करके इसे चटकाएंगे। आप देख सकते हैं हमने फोरन को स्लो फ्लेम पे चटकाया है। इसमें बहुत ही बढ़िया फोरन का अरोमा आ गया है तेल में। अब यहाँ पे हम डालेंगे 2 बड़ा साइज का प्याज, जिसे हमने पतले पतले स्लाइस में काट रखा है। तो हम सबसे पहले प्याज को डाल देंगे और इसे ट्रांसपेरेंट होने तक भूनेंगे, यानी कि 2 से 3 मिनट में हमारा प्याज भून जाता है। फ्लेम को हम मीडियम ही रख के भूनेंगे। आप देख सकते हैं हल्का सा अपना प्याज सॉफ्ट हुआ है। हमें इसे ब्राउन नहीं होने देना है, हल्का ही सॉफ्ट करना है। और इसमें हम डालेंगे अपना बेसन में लिपटा हुआ गोभी। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी होता है, आप जरूर बना के ट्राई कीजिएगा। अब हम धीरे धीरे प्याज में अपनी सब्जी को मिक्स कर लेंगे। दिखने में कितना सुंदर लग रहा है अभी ही ये सब्जी। तो हमने प्याज के साथ अच्छे से अपनी गोभी को मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं प्याज के साथ अपनी सब्जी अच्छे से मिक्स हो गई है, यानी कि कैबेज जिसे हमने बेसन में लिपट के रखा था उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस स्टेज पे हमें क्या करना है, एक कवर से कवर करते हुए 10 से 12 मिनट हमें सब्जी को अच्छे से पकाना है। ध्यान रहे बीच बीच में हमें 2 से 3 बार चला के पकाना है। 15 मिनट हो चुके हैं, चलिए अपनी सब्जी को चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी कैबेज जो है बेसन में लिपटी हुई पक चुकी है। ये बिल्कुल मैंचूरियन वाला स्वाद की सब्जी तैयार होती है। जो बच्चे नहीं खाते हैं वो भी ऐसी सब्जी पसंद करने लगते हैं। तो अब हमें इसे कोई भी मसाला नहीं डालना है, क्योंकि हमने कैबेज में ही बेसन के साथ सभी मसाले ऐड कर दिए थे जितना इस सब्जी में जरूरत होता है। तो आप देख सकते हैं अपनी सब्जी भी अच्छे से पक चुकी है। हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसकी प्लेटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम गर्मा गर्म सब्जी सर्व कर रहे हैं। तो
तो फ्रेंड्स आपने देख लिया बेसन वाले कैफीर की सब्जी बनाना कितना आसान है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। जो बच्चे दो पराठे खाते होंगे वो तीसरा जरूर मांगेंगे, तो आप भी इस सब्जी को बनाइए। अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।